Dear students, we shall be discussing today the second unit of the book, that is solutions. And you might have heard the name of solutions so many times. जरूर नाम सुना होगा solutions का. और हमने लिख दिया है solution के बगल में bracket में homogeneous mixtures. तो ये जान लो कि solution का पर्यायवाची शब्द, alternative name हो सकता है homogeneous mixtures. हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी सॉल्यूशन नहीं कहलाता केमिस्ट्री में. नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हम लोग. नाइन्थ में ये भी क्लास में चर्चा करते थे कि हम लोग डेली मार्केट में या कहीं भी डेली लाइफ में बहुत से जगह कहीं लिखा होता है डब्बे में प्योर घी. हम लोग जब मिल्क परचेज करने जाते हैं पर्सनली जाकर तो उसमें तब देखते हैं कि प्योर मिल्क, तो दैट मे बी प्योर मिल्क घी. और प्योर मिल्क इन टर्म्स ऑफ द कॉमन पीपुल के नज़र में वो प्योर घी या प्योर मिल्क हो सकता है. बट केमिस्ट्री के नज़रिए से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न तो मिल्क प्योर सब्सटेंस है न प्योर घी सब प्योर सब्सटेंस है. उसमें कई चीज़ें कई कॉम्पोनेंट्स मिक्सड होते हैं. तो और फिर ये भी हम लोग जानते हैं, हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था नाइन्थ में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे चारों तरफ का मैटर क्या प्योर है. तो पता चलता था कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस, most of the matter around us is not pure, it contains two or more pure substances as a mixture. मतलब most of the things around us are mixtures. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो mixture है. अब देखो air everywhere, हवा हर जगह है. अब बताओ air क्या pure substance है? तो पता चलेगा नहीं. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर डस्ट एंड सो मेनी थिंग एंड सम इनर्ट गैसेस ऑल्सो. हम लोग के चारों तरफ पानी देखते हैं वाटर. अब बताओ क्या वाटर प्योर सब्सटेंस है? तो अभी तक के नॉलेज से तुम्हें पता होगा कि वाटर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि वाटर में सबसे पहले तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 डिजॉल्व है और बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व है. तो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है. इसके अलावा और चाहे जो भी देखो, मिट्टी देख लो और भी कोई सामान देख लो, यदि हम लोग गोल्ड का कोई आइटम भी बाजार में परचेज करते हैं चाहे वो कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हो, तो 100% प्योर गोल्ड नहीं होता. उसमें कॉपर मिक्स होता है, उसमें कॉपर मिक्स होता है, देन इट इज ए मिक्सचर. इसका मतलब कितना बढ़िया से बढ़िया भी ज्वेलरी अगर हम लोग कर दें, देन इट इज ए मिक्सचर. मिट्टी भी, मिट्टी में कई तरह के सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, सिलिका और भी कई तरह के केमिकल्स उसमें मिक्सड होते हैं और ये भी मिक्सचर होता है. तो कहने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स होता है. पहली बात. दूसरी बात क्या है, अगर वो हर चीज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर मिक्सचर है, इसमें कई कंपोनेंट इसका मतलब मिले हुए हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है उसके हिसाब से उसकी नीड और उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग सभी जानते हैं क्या, ब्रास सबको पता है. ब्रास इट इज मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जी. जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकेल. ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन. अब देखो दी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. यू नो इट, सभी को पता है कि ब्रास से जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो गया. सिमिलरली हम लोग जानते हैं डेली लाइफ में कि P parts per million ऑफ फ्लोराइड आयन इज एसेंशियल इन वाटर फॉर द टूथ डीके को चेक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए 1 parts per million फ्लोराइड आयन होना जरूरी है. बट यही कंपोजिशन जब 1.5 हो जाता है वाटर में, तब हम लोग का टूथ बिकम्स मोटल्ड. मोटल्ड का मतलब दांत जो है सफ़ेद नहीं रहेगा, वो कलर्ड हो जाएगा, उसको कहते हैं टूथ बिकम्स मोटल. और हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयन का हो जाए तो फिर ये पॉइजनस हो जाता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम फ्लोराइड जो है रेट पॉइजन, चूहा मारने की दवा सोडियम फ्लोराइड आयन होता है. तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है, कंपोजिशन चेंज होते जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज और उसका डेली लाइफ में यूज भी चेंज होते जाता है. ठीक है, हम लोग एक ये भी जानते थे और ये भी जानते हैं क्या, सॉल्यूशंस के बारे में जब चर्चा की, होमोजीनियस मिक्सचर जब मिक्सचर की बात हुई, इसका मतलब टू या मोर सब्सटेंसेस इसमें मिक्स किए हुए टू और मोर सब्सटेंसेस. अब क्या है, अगर टू या मोर सब्सटेंसेस अगर वो मिक्स्ड है
इसका मतलब है कोई ना कोई कंपोनेंट जो है लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, और तुम जानते हो कि नाइन्थ क्लास की पढ़ाई से ही जो लार्जेस्ट क्वांटिटी का कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर एक टर्म यूज किया हुआ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और अदर कंपोनेंट चाहे एक हो या ज़्यादा हो वो सॉल्यूट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चीनी पानी का जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं गर्मी के दिनों में ज़्यादातर यूज करते हैं, तो हमें पता है कि वाटर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं जनरली। ऐसा नहीं कि वाटर यदि 50 ग्राम लिया और चीनी 200 ग्राम ले लिया, ऐसा शरबत हिंदी वाले बनाते होंगे, हम लोग नहीं बनाते। तो पानी की क्वांटिटी अधिक होती है, वाटर की क्वांटिटी अधिक होती है, चीनी की क्वांटिटी कम होती है, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी वाटर का हुआ तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में है चीनी उसको सॉल्यूट कहते हैं। उसमें तुम थोड़ी बहुत मात्रा में लेमन भी मिला दोगे तो वो भी सॉल्यूट है, थोड़ा अगर सॉल्ट डाल दोगे डिहाइड्रेशन होने पर कई बार सॉल्ट भी डाला जाता है वो भी सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमारा सिलेबस। अच्छा हाँ एक बात और बता दे कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट किस फिजिकल स्टेट में है उसी हिसाब से सॉल्यूशन का भी। फॉर एग्जांपल चीनी और पानी का तुमने शरबत बनाया, पानी लिक्विड फेज में है, लिक्विड स्टेट में है, और चीनी सॉलिड फेज में है, लेकिन जब सॉल्यूशन तैयार हो गया शरबत तो वो लिक्विड फेज में तैयार हो जाता है, क्योंकि वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है लिक्विड में है, इसलिए तुम्हारा सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में तैयार हो गया। और ऐसे सॉल्यूशन को जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड जैसा होता है उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी सॉल्वेंट जिसका लिक्विड होगा तो नेचुरली फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन लिक्विड फेज में होगा और उसको लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं। नाइन्थ में हम लोग पढ़ते थे एलॉयज, एलॉयज और एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, हम लोगों ने लिखा है सॉल्यूशन का पर्यायवाची शब्द है होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशंस है। तो एलॉयज अगर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो एलॉयज भी सॉल्यूशंस है, और हम लोग जानते हैं एलॉयज मोस्टली मेटल्स का बनता है, मेटल्स टू और मोर मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर या वन मेटल और वन नॉन मेटल का, तो मोस्टली। और एलॉयज जब भी बनता है तो उसमें जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है सॉलिड होता है, इसका मतलब उसे जो सॉल्यूशन बनेगा जो एलॉयज जो ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फेज। फिर हम लोग सब एयर की बात करते हैं, एयर, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यू नो इट, नीचे के क्लास में पढ़े होंगे कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और उसका उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन इज ए गैस। ऐसे इस प्रकार हम लोग एयर को गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखा क्या कि सॉल्वेंट किस फेज में है, आई मीन किस फिजिकल स्टेट में है, तो सॉल्वेंट हो सकता है सॉलिड हो, सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड हो, सॉल्वेंट हो सकता है गैस हो, इस आधार पर सॉल्यूशन तीन प्रकार का होगा। गैसियस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन गैसियस है, इसका मतलब सॉल्वेंट गैस फेज में होगा, और लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन अगर लिक्विड सॉल्यूशन नाम पड़ रहा है इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, बता चुके हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट सॉलिड हो। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितने टाइप में हो सकते हैं, तो पता चल गया थ्री टाइप में हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के हिसाब से ही फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन होगा, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब यदि हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो कितने प्रकार के गैसियस सॉल्यूशन होना चाहिए, हम लोग जान रहे हैं कि गैसियस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट गैस होना चाहिए, गैस होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूट का तो कोई फिक्स नहीं है। सॉल्यूट गैस अगर हुआ तो गैस में गैस डाला हुआ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो गैस के गैस में लिक्विड मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो गैस में सॉलिड मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन। एग्जांपल गैस और गैस का, ऑक्सीजन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, जैसा कि एयर में मोस्टली होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, गैस सॉल्वेंट, और लिक्विड अगर लिक्विड यदि सॉल्यूट लिक्विड है तो इसको कहा जाता है लिक्विड इन गैस। तो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, उसको डिजोल्व कर दो नाइट्रोजन में, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, उसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस। सॉलिड इन गैस कैम्फर कपूर हिंदी में कहते हैं, कपूर को नाइट्रोजन में डिजोल्व कर दो, उसका नाम हो जाएगा सॉलिड इन गैस। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन तीन तरह के होंगे, लिक्विड अगर सॉल्वेंट है अगर उसमें गैस डिजोल्व है, फॉर सभी जानते हो कि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ इथेनॉल नाम का अल्कोहल, उसको वाटर में डिजोल्व कर दो तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। लिक्विड में सॉलिड शुगर या ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका नाम हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड।
सॉलिड सॉल्यूशन, जैसा कि भी चर्चा की है, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉलिड सॉल्यूट अगर गैस है तो इसको कहते हैं गैस इन सॉलिड। जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्लेडियम में एडजॉर्ब हो जाता है, डिजॉर्ब हो जाता है, प्लेडियम के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड। हम लोग पता है एलवाइज होता है मेटल्स का, लेकिन अगर मेटल वन ऑफ द मेटल्स अगर मरकरी है तब दैट एलवाइज इज टर्न्ड एज अमलगम। तो मरकरी अगर अमलगेटेड करते सोडियम के साथ, जिसमें कि सोडियम की क्वांटिटी अधिक हो, तो वो सॉलिड है और इसमें लिक्विड हो गया मरकरी, इसको कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड। और फिर सॉलिड इन सॉलिड कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अब बोलो कि कॉपर गोल्ड में कैसे डिजॉल्व होगा, नेचुरली स्वाभाविक ऑटोमेटिकली नहीं होगा, सॉलिड अगर रहे गोल्ड तो नहीं होगा, बट अगर गोल्ड को डिजॉल्व कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए, लिक्विड फॉर्म में अगर गोल्ड बना दिया जाए, कॉपर को भी मेल्ट कर दिया जाए, देन इट विल डिजॉल्व। और कॉपर इसलिए डिजॉल्व इन गोल्ड कहते हैं कि गोल्ड लार्ज क्वांटिटी में होगा और कॉपर कम क्वांटिटी में होगा, और इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनेगा एंड देन इट विल बी कूल्ड, जब इसको कूल कर देंगे तब सॉलिड फॉर्म में कॉपर मिक्स्ड गोल्ड होगा, कॉपर मिक्स्ड गोल्ड होगा। हम लोग जो 22 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं मार्केट में, 22 कैरेट गोल्ड, तो तुम्हें पता ही होगा कि उसका मतलब है 22 ग्राम सोना है, गोल्ड है, और 2 ग्राम कॉपर है। तो 22 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम कॉपर, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी किसका हुआ, गोल्ड का, गोल्ड इज द सॉल्वेंट, और कॉपर कम क्वांटिटी में तो सॉल्यूट, तो कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, इसको कहते हैं सॉलिड इन सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो इतने टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ओके। देन हम लोग अब चर्चा कर ले कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब कितने क्वांटिटी में अगर कोई सॉल्यूट किस, सबसे पहले तो हम लोग ये बात बता दें कि हमारा टॉपिक जो होगा बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। और बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं उसको जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। सो हमारा जो सिलेबस है दैट इज लिमिटेड टू बाइनरी सॉल्यूशंस। और बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं सॉल्यूशंस हैविंग 2 कंपोनेंट्स ओनली, सॉल्यूशंस हैविंग 2 कंपोनेंट्स ओनली, 2 कंपोनेंट्स ओनली, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ओनली, सिर्फ 2 कंपोनेंट, 2, उसको बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है, डिजॉल्व किया हुआ है, तो कितनी मात्रा में, कम है, ज़्यादा है, कम है तो कितना है या ज़्यादा है तो कितना है, उसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो कहलाता है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्रेसिंग। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, किस नाम से एक्सप्रेस किया जाए, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग क्लास 9 में पढ़ते थे मास परसेंटेज एक तरीका होता था कि W/W। हम लोग 9 में पढ़ते थे वॉल्यूम परसेंटेज V/V और पढ़ते थे मोलरिटी एक्सेट्रा। बहुत तरह का है, बहुत देर आर सो मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जैसा हमने बताया कंसंट्रेशन का मतलब रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कितना है, एक दूसरे से तुलना करें, सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तुलना करें तो कितना है, कितना परसेंट है या कितना पार्ट्स पर मिलियन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 2 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एक कहते हैं क्वालिटेटिवली, एक कहते हैं क्वांटिटेटिवली। अगर हम लोग कहते हैं ये सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो अभी तक के नॉलेज से तुम्हें पता चल गया होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन उसी को कहेंगे जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली काफ़ी कम होगी और सॉल्वेंट काफ़ी अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी काफ़ी लिए हुए हैं, वाटर हमें वी हैव टेकन ए लॉट ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लिया है और चीनी उसमें बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दिया, तो इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग नॉर्मली कहते हैं। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं यदि सॉल्यूट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाली गई,
काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स्ड है या डिजॉल्व्ड है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट ये जो है भेद है, इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर दो आदमी कहा कि स्टूडेंट ए ने डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार किया, स्टूडेंट बी ने अगर अलग अलग कमरे में अपने अपने रूम में अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार किया है, तो ये क्लियर नहीं होगा कि उसने कितना सॉल्यूट मिलाया। अगर कह भी दें कि एक एक लीटर पानी लेकर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ, तो फिर वो तय नहीं कर पाएगा कि कितना ग्राम लेकर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं। कोई दो ग्राम लेगा, कोई तीन ग्राम लेगा, कोई चार ग्राम, कोई पाँच ग्राम, सभी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका मतलब क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड। उस कन्फ्यूजन को दूर, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, और क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को। क्वांटिटेटिवली जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें बताया जाता है बाजार के कि सॉल्वेंट कितना लिया गया है, यानी कुल सॉल्यूशन कितना है और उसमें सॉल्वेंट कितना मिलाया गया है, और उसके जो कई तरीके हैं उसको क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का कई तरीका है, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको मास बाय मास भी बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। हम फुल नेम इसका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, एम बाई सब डब्ल्यू बाई बी, डब्ल्यू बाई बी। फिर एक मोल पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन भी तीनों तरह का हो सकता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन भी तीन तरह का हो सकता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। पार्ट्स इसको एब्रिविएटेड एज PPM। देन मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का एक सिंबल होता है काई, इसको काई बढ़ा देते हैं काई, बट ये देखने में एक्स की तरह लग रहा होगा, एक्स की तरह। देन मोलरिटी, मोलरिटी और देन मोलेलिटी, मोलेलिटी लिटी, इस दोनों में बहुत एक ही अंतर है आर और एल का, बाकी पूरा स्पेलिंग सेम है, बाकी पूरा स्पेलिंग सेम है। अब लेट अस डिस्कस, इतने तरीके हमारे सिलेबस में है, और भी देयर मे बी अदर वेज, बट हमारे सिलेबस में है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी और मोलेरिटी। सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, तरीका। अब हम लोग एक एक करके अगर चर्चा करें, सबसे पहले मास बाय मास परसेंट, तो मास बाय मास परसेंट परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ऑफ ए किसी कंपोनेंट, मास बाय मास परसेंटेज अगर कह दें इन ए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन या ऑफ ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन और ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करें, मास बाय मास परसेंटेज को शॉर्ट में इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं, शॉर्ट में मास परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने का है मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर तुमने लेमोनेड बनाया है, तो लेमोनेड में नेचुरली कम से कम 3 थिंग्स का मिक्स किया होगा, वाटर, शुगर और लेमन, तो उसमें किसका मास परसेंटेज चाहिए, शुगर का या लेमन का। हालांकि इसमें 3 कंपोनेंट हो गए, मेरे सिलेबस में नहीं, हमारा सिलेबस 2 ही कंपोनेंट का है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो चलो शुगर और वाटर का अगर की हम बात करें, तो अगर हम लोग शुगर का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं, शुगर का मास परसेंटेज, या अगर किसी ने कह दिया कि 10% शुगर सॉल्यूशन बाय मास, अगर कहीं लिखा हुआ है, कहीं पेपर में लिखा हुआ है या कहीं भी लिखा हुआ है 10% शुगर सॉल्यूशन बाय मास, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम वाटर है, क्योंकि ऑल टुगेदर टोटल होना चाहिए सॉल्यूशन 100 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ एक ऑफ द कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू 100। अब देखो अगर 10 ग्राम शुगर लिया है, अगर उसका वैल्यू यहां पर बैठा दे 10 ग्राम शुगर,
90 ग्राम वाटर लिया है, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा। वाटर और शुगर दोनों मिलाकर सॉल्यूशन तैयार होता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 और 100 कैंसिल हो जाता है, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाता है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी ही बात होगी, केवल मास के बदले वॉल्यूम यूज होगा। सपोज करो अगर किसी ने कहा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन अगर किसी ने कहा बाय वॉल्यूम, तो वहां पर ले लिया हम लोग 10 मिलीलीटर इथेनॉल, 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो ऑल टुगेदर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन तैयार हो। तो सिमिलर वे में जहां मास परसेंटेज की बात है वहां वॉल्यूम परसेंटेज कर देंगे, वी बाय वी भी बोलते हैं इसको, सिंबल में वी बाय वी बोलते हैं, वी बाय वी। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इथेनॉल और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिमिलरली यहां 10 मिलीलीटर ऑफ द इथेनॉल और 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन करके फिर सिमिलरली 10% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो किस कंपोनेंट का हम लोग बात कर रहे थे, शुगर सॉल्यूशन में शुगर का मास बाय मास परसेंट निकाला कि कितना परसेंट है आउट ऑफ दी 100 ग्राम या आउट ऑफ दी टोटल मास गिवन ऑफ दी टोटल मास ऑफ दी सॉल्यूशन गिवन, सॉल्यूशन का कितना मास है उसमें से देखे वो कितना है, तो 100 ग्राम में वो 10 था। सो दिस इज वन थिंग। और एक बात है, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH और CH2OH, CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल इसका बोलते हैं। इसका 35% सॉल्यूशन वी बाय वी, वी बाय ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन वाटर, एंटी फ्रिज का काम करता है, एंटी फ्रिज। इसका मतलब ये हुआ ये वाटर को जल्दी फ्रीज नहीं होने देता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिड्यूस करके ले जाता है। ऐसे वाटर कितने फ्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यू नो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, सबको पता है। और उसमें अगर 35% अगर इथिलीन ग्लाइकोल मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन जो तैयार हो गया उसके मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 255.4 केल्विन, यानी कि -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे चला गया, इसका मतलब जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा माइनस में, तो टेम्परेचर जब तक माइनस में नहीं जाएगा तब तक ये फ्रीज नहीं करेगा, और जब तक फ्रीज नहीं करेगा तो ये मिक्सचर क्या होगा, मशीन्स को कूल करने में, इंजन को कूल करने में काम आ जाए। तो किसी बात की अब ये है कि कई बार क्या होता है, हमने कहा कि 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी, ठीक है, तो बड़ा कंपेरेबल अमाउंट लगता है, कंपेरेबल, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। बट कई बार क्या होता है, सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में, कि ऑफ 1 लीटर ऑफ सी वाटर जिसका मास लगभग 1036 ग्राम है, मास 1 लीटर ऑफ सी वाटर, इसमें डिजॉल्व सॉल्यूट जो होता है वो होता है 6×10⁻³ ग्राम, काफी कम। अगर इसको हम लोग पॉइंट में लिखना चाहें तो आई थिंक 0.006 ग्राम। कितना ग्राम, बहुत कम है। तो अगर कहा जाता है सॉल्यूट अगर बहुत कम मात्रा में हो, यानी ट्रेस अमाउंट में हो, ट्रेस अमाउंट में, तब हम लोग मास परसेंट से नहीं करते, तब उसको करते एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, PPM, और उसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट,
divided by total number of parts of all component, number of parts of all components, all components I into 10 to the power 6. तो पता है सब लोग जानते हैं, शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि 1 million को हिंदी में 10 lakh कहते हैं, 10 lakh, और मैथमेटिकली इसको लिखे तो 10 टू द पावर 6, 1 million इज 10 lakh, 10 टू द पावर 6. अब है क्या कि तुम्हें यूनिट तैयार करना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी को वन पार्ट कहेंगे. अगर 1 milligram को वन पार्ट कहोगे तो किसी जैसे ग्राम को अगर पार्ट कहोगे तो 1036 ग्राम का पार्ट्स होगा, 1036 ग्राम पार्ट, और इतने ग्राम का होगा वन पार्ट का इतना टाइम, यानी 1 ग्राम का वन पार्ट तो 0.006 ग्राम का इतना कम पार्ट्स होगा, 1/20 मच पार्ट्स, और उसको अगर 10^6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्ट्स पर मिलियन निकलेगा. सीधी सीधी बात है, तुम इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो और 10^6 से गुणा कर दो, तो तुम अगर सॉल्व करोगे 0.006 ग्राम इंटू 1036 ग्राम और इंटू 10^6, अगर इसको सॉल्व करोगे तो अगर तो पहले से जान रहे कि ये इसका वैल्यू था इतना, 6 × 10^-3, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, -3 और 6 हो गया, 6 × 10^3 और डिवाइडेड बाई 1036, इसमें 6000 और डिवाइडेड बाई 1036, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5.8 आएगा, यानी 5.8 पार्ट्स पर मिलियन इसका आंसर आएगा, 5.8 पार्ट्स पर मिलियन. इसका मतलब 1 million पार्ट अगर सी वाटर हो, उसमें सभी चीज़ें मिली हुई हो, उसमें तुम्हारा डिजॉल्व सॉल्यूट जो होगा, एक पर्टिकुलर डिजॉल्व सॉल्यूट 5.8 पार्ट होगा. सो दिस इज वन. एक और तरीका है मोल फ्रैक्शन का है. अब यह मोल फ्रैक्शन किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का लेना है तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है और इसमें अगर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट अगर उसमें मिक्स है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन. सपोज करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है. मान लो ए, इसका सिंबल होगा काई, सफिक्स डाल देंगे, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. ऑल कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट्स हैं, ए और बी, इन दोनों के मोल्स. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है एन ए, तो दो कंपोनेंट है एन ए और एन, सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. सिमिलरली ठीक इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का निकालना हो तो सिंबल हो जाएगा उसका काई की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में और नीचे टोटल लिखेंगे एन ए प्लस एन बी. अब इस सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन को एड करके देखो और यू विल फाइंड दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स 1 आएगा. देखो जोड़ के एड करके देख लो तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे कि काई ए प्लस काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और ए बी, इसका वैल्यू आया है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये वो काई ए का वैल्यू प्लस काई बी का वैल्यू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. अब तुम देख सकते हो एन ए प्लस एन बी सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, डिवाइड करेंगे यहाँ से तो एन ए हो गया और प्लस एन बी, और देख सकते हो कैंसिल होकर हो गया
इसका मतलब हुआ अगर जब दोनों का सम वन है, जब दोनों का सम वन है तो तुम समझ सकते हो अगर काई ए का वैल्यू निकालना हो तो वन माइनस काई बी। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, अगर एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो वन माइनस तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सपोज काई बी का वैल्यू मालूम है 0.4 तो 1 माइनस कर दो, इसका आंसर ऑटोमेटिकली 0.6 आ जाएगा। यानी एक का वैल्यू मालूम है तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 1 माइनस दैट मच करके। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाले जाते। सो दिस इज द अदर वे, ये तरीका होगा। क्या भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी कंपोनेंट का रिलेटिव अमाउंट कितना है ये बताने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है जो कि हम लोग मोस्टली क्लास 10 से ही पढ़ते हैं, बट 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़े आ रहे हैं, एंड दैट इज योर मोलरिटी। मोलरिटी सिंबल इसका कैपिटल एम होता है, एंड इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जनरली इसको एन बी लिखा जाता है। बी इज द बी कॉम्पोनेंट बी, सॉल्यूट को बी कॉम्पोनेंट बी कहा जाता है, या कॉम्पोनेंट टू कहा जाता है, एन टू। किसी बुक में एन बी लिखा जाएगा, किसी में एन टू लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डिफिनेशन में ही लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना मस्ट है एज पर द डिफिनेशन ऑफ मोलरिटी। अगर मिली लीटर में या माइक्रो लीटर में या किसी तरह का यूनिट में दिया हुआ है, उसको तुमको लीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मैथमेटिकली मोलरिटी को एम से, जैसा कि बताया, एम से लिखते हैं, एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर सिंबल देना है तो एन टू या एन बी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप सोच सकते हो कि इसका यूनिट क्या होगा, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल्स सॉल्यूट का यानी मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, मोल पर लीटर ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं, मोल पर लीटर। और इसको बहुत सिंबल शॉर्ट में कैपिटल एम भी लिखते हैं। कैपिटल एम का मतलब हो जाएगा मोल पर लीटर। अब अगर कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में 0.25 मोल पर लीटर, या कैपिटल एम 0.25 एम भी लिखा हुआ, बहुत शॉर्ट में लिखा रहेगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा या फिर ऐसा हो। इसमें एकदम क्लियर है कि सॉल्यूट है इतना मोल, 0.25 मोल सॉल्यूट है और एक लीटर सॉल्यूशन बनना है 0.25 मोल सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व करना है, और सॉल्यूशन एक लीटर होना चाहिए, वाटर नहीं, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन वो एक लीटर होना चाहिए, ये मतलब। अब देखो, हम लोग सब जानते हैं क्या, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। सपोज करो कहीं पर हमने 0.25 मोल NaOH यानी कि 4 ग्राम NaOH कैलकुलेट करके देख लें, 40 ग्राम का 1 मोल 40 ग्राम यानी कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, 4 ग्राम का मतलब हो गया 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 1 लीटर सॉल्यूशन बना के तैयार कर दी, 1 लीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 लीटर है, मोल इतना है, इसका मतलब मोलरिटी 0.25 मोल पर लीटर आएगा। बट अगर टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। तो सपोज करो कि तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं बढ़ा, वो तो इतना ही है, और सॉल्यूशन पहले 1 लीटर था, और अगर सॉल्यूशन बढ़ के 1.1 लीटर हो गया तो आंसर इतना नहीं आएगा, अब इस बार मोलरिटी इतनी नहीं आएगी, इससे कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर चेंज करने से मोलरिटी चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी डिक्रीज, ठीक है। यानी कि मोलरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज किया तो मोलरिटी चेंज होती। अब एक और तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का,
एंड दैट इज योर मोलैरिटी। तुमने देखा मोलैरिटी के स्पेलिंग में से हमने सिर्फ आर को मिटाया, सिर्फ आर को, क्योंकि एक सर आर को मिटाकर एल डाल देंगे तो दिस विल बिकम मोलैरिटी। जनरली स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, उसका डिफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्यूट। उसमें था पर लीटर, इसमें था पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूट, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एक अंतर और आ गया। लीटर के बदले किलोग्राम था, लीटर था उसका सॉल्यूशन का, ये किलोग्राम है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मैथमेटिकली मोलैरिटी, मोलैरिटी का जो मैथमेटिकल डिफिनेशन होगा इस प्रकार होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन टू और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। इसका यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स मोल हो गया और डिवाइडेड बाय केजी, यानी कि मोल पर केजी होगा, मोल पर केजी इसका यूनिट होगा। और बहुत शॉर्ट में लिखेंगे तो स्मॉल एम भी लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा मोल पर केजी। अब अगर कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हुआ 0.2 m या मोल पर केजी मोलैरिटी, इसका मतलब है सॉल्यूट है 0.25 मोल और सॉल्वेंट है 1 kg, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है 1 kg। फिर यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स, क्लास 9 में पढ़ते थे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता था, गिवन मास मोलर मास, मास बाय मास से मोल निकलता है, इसका मतलब है ये मास से रिलेटेड है मोल। सॉल्वेंट का भी मास केजी में है, तो मास चूंकि टेम्परेचर से नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से मास ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो मास नहीं चेंज होता है तो मोलैरिटी भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से। मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मास से रिलेटेड है, वहाँ भी नहीं चेंज होगा। मास बाय मास परसेंटेज में भी मास बाय मास का खेला है, इसलिए वहाँ भी टेम्परेचर के साथ मास बाय मास परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा, मास बाय मास परसेंटेज चेंज नहीं होगा। और इस प्रकार से लोग देखते क्या सिर्फ मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ओके, थैंक्स।